बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और ये ऑर्डर पेयर्स में हैं, ठीक है, और हमें इनको इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी। बस आपको ये याद रखना है कि आयोटा बी कहें या बी आयोटा कहें, बात सेम ही होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी आयोटा इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो हम ये फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, ए प्लस बी आयोटा। A फॉर 1 बिकॉज दिस इज़ द रियल नंबर, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस दिस इज़ B, B फॉर द इमेजनरी नंबर, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए और आयोटा एज इट इज़ ले आइए। दिस इज़ योर आंसर। सम नंबर 2, अगेन हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, एक ही बात है, ठीक है। तो ए फॉर द रियल नंबर विच इज़ 2 प्लस बी फॉर बी आयोटा फॉर द इमेजनरी नंबर विच इज़ 2 आयोटा एज इट इज। दिस इज योर आंसर। नंबर 3, अगेन पुट द रिक्वायर्ड फॉर्म ओवर हेयर, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पर ए फॉर द रियल नंबर विच इज 3 प्लस बी फॉर द इमेजनरी पार्ट इज 4 आयोटा। नाउ लेट्स गो फॉर सम नंबर 4। अगेन पुट द रिक्वायर्ड फॉर्म ओवर हेयर, दैट्स ए प्लस बी आयोटा, ए फॉर द रियल नंबर विच इज माइनस 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप जहन में रखिएगा कि बी इज़ द इमेजनरी पार्ट, इट्स 1, ठीक है। जिस तरह हम एलजेब्रा में करते हैं के कोएफिशिएंट पहले लिखा जाता है और वेरिएबल बाद में, तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह करना है, बी फॉर 1, तो 1 तो आई के साथ नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1 है तो पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आयोटा आप यहाँ पर लिखेंगे। सम नंबर 5, दिस इज द रियल नंबर, फर्स्ट पुट द रिक्वायर्ड फॉर्म ओवर हेयर, दैट्स ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, इट्स ऑल द सेम। अच्छा जी, तो ए फॉर द रियल नंबर दैट्स माइनस 2, ठीक है, प्लस बी आयोटा, सो बी इज 2, दैट्स द रियल नंबर, सॉरी दैट्स द इमेजनरी पार्ट एंड आयोटा। सम नंबर 6, पुट द रिक्वायर्ड फॉर्म ओवर हेयर, दैट्स ए प्लस आयोटा बी
या बी आयोटा, इट्स ऑल द सेम। ए फॉर द रियल नंबर दैट्स माइनस थ्री प्लस बी फॉर द इमेजनरी नंबर दैट्स फोर आयोटा। सो दिस इज द आंसर। ओके जस्ट डू एज आई हैव डायरेक्टेड, इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। डियर फ्रेंड्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। बस आप ये याद रखिएगा कि जिसमें आयोटा होगा वही इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियल पार्ट के लिए हम लिखते हैं R E Z, दिस इज इक्वल टू A, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। दिस इज A, इट्स इक्वल टू 1। इमेजिनरी नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं I M Z से। इट्स इक्वल टू B, दैट्स 2। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। सम नंबर 2, 9 आयोटा प्लस 4, तो इसमें हमें रियल नंबर का बताना है R E Z इक्वल टू A। देखिए इसके साथ आयोटा है तो ये तो रियल नंबर नहीं है, दिस इज रियल नंबर 4। इमेजिनरी नंबर I M Z इक्वल टू B इज इक्वल टू 9। सम नंबर 3, 6 तो रियल नंबर के लिए R E Z दैट्स इक्वल टू -5, दैट्स इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू -5। इमेजिनरी नंबर I M Z that's equal to B and B is equal to 6। याद रखिएगा अगर आयोटा नहीं है तो इट मीन्स के पहला नंबर रियल है और दूसरा इमेजिनरी। सम नंबर 4, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो रियल नंबर R E Z इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू -1। इमेजिनरी नंबर I M Z इज इक्वल टू B, दैट्स इक्वल टू
माइनस, यहाँ तो आयोता लिखा है, याद रखिएगा कि वन लिखा नहीं जाता लेकिन होता है, तो बी हमारे पास आ गया माइनस वन। सम नंबर फाइव, रियल नंबर आर ई जेड इज इक्वल टू ए, देखिए इसके साथ आयोटा लगाए तो इट मीन्स के रियल नंबर हमारे पास ये है, इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर फोर। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर पर, और इमेजिनरी नंबर आई एम जेड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर ओवर फाइव, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा है तो इट मीन्स कि ये बी है, माइनस फोर ओवर फाइव। ठीक है, लास्ट पार्ट सम नंबर सिक्स, टू आयोटा माइनस वन, तो ये भी ऐसे ही है, रियल नंबर इज इक्वल टू ए। अब देखिए इसके साथ आयोटा लगाए इट मीन्स कि ये रियल नंबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ रियल नंबर है माइनस वन। इमेजिनरी नंबर आई एम जी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टू। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर टू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली, थैंक यू।